ये देखो कितनी सारी चॉकलेट है इसके अंदर। अरे यार कीचड़ खाऊंगा। ओए ये देख, पता नहीं यहाँ पे क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्यों है। और हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस पीयूष कुनाली गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, आज लास्ट डे है, कल से ये जाएंगे स्कूल। तो कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। स्कूल जाने के लिए कल से? हाँ। कल से डेली स्कूलिंग स्टार्ट, इसकी तो ट्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगी। पीयूष तो पूरा बिजी हो जाएगा क्योंकि 9th क्लास है इसकी। मन नहीं कर रहा स्कूल जाने का, कल से जाना पड़ेगा। बट मन नहीं कर रहा ना स्कूल, बट जाना तो पड़ेगा ही कल से। मन नहीं कर रहा। अच्छा बालों की वजह से? अरे हाँ बाल भी तो कटाने पड़ेंगे भाई, आज ही कटवा लेता मैं तो कह रहा हूँ। अब कल इसको स्कूल वाले ऐसे पकड़ के घुमाएंगे ना, तब इसके तो हाथ में नहीं आ रहे, आज ही कटाया। पीयू कुनाली ने कटवा ली। तो गाइस अभी आया हूँ नए घर पे और अपने रूम में, और यहाँ पे देखो मैंने पीओपी तोड़वा दिया, बिकॉज मेरे को ना प्लेन चाहिए था पूरा, तो मेरे को डिजाइन नहीं चाहिए था, तो अभी पूरा तोड़ रहे हैं यहाँ से। कितना नुकसान हो गया देखो, नीचे देखो पूरी पीओपी बहुत नुकसान हो गया। यहाँ पे इन्होंने ऐसा डिजाइन बना दिया, देखो ऐसा डिजाइन बना दिया था, बट मेरे को पूरा प्लेन चाहिए यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक। बट इस चक्कर में देखो कितना नुकसान हो गया, पूरी पीओपी सारी नीचे गिरानी पड़ी। अगर मैं होता ना नहीं हटाता इसको। क्यों? अच्छा लग रहा है मेरे को। आपको पसंद है डिजाइन? बट मेरे को नहीं पसंद ना, मेरे को पसंद नहीं है डिजाइन, देखो कितना अजीब सा लग रहा है ऐसे। तो अभी ये भी तोड़ेंगे अभी पूरा, देखो ये दिख रहा है ना, ये भी टूटेगा। मुझे लग रहा है मेरे पैर में कील घुस गई। ये देखो भाई, ओ भाई साहब एकदम से चुभी मुझे, ये देखो भाई एकदम से चुभ ना, ध्यान चल रहा है यहाँ पे, कील बहुत है ना यहाँ पे। खून खून क्यों? आप चाहते हो खून आए मेरा? नहीं, हल्की सी लगी ना, ज्यादा तेज नहीं लगी, और ये चप्पल मोटे है ना, देखो चप्पल मोटे हैं इसलिए बच गया। खून क्यों नहीं आया? देखो खून क्यों नहीं आया, क्या बोल रहा, खून क्यों नहीं आया? गाइज मेरे रूम में इतनी खतरनाक लाइट है ना, देखो कैसा लग रहा है, एकदम व्हाइट लग रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा ओपन है, एकदम व्हाइट दिख रहा होगा आपको मेरा फेस। बढ़िया पर्दे लग जाएंगे तब सही लगेगा ना। और यहाँ पे कुनाली के रूम में काम चल रहा है, देखो ये भी प्लेन बन रहा है पूरा। बेचारे छोड़ा को प्लेन नहीं बना, बस हम तीनों भाई का बन गया। तो अभी आ गए साहिल के रूम में, और ये देखो साहिल के रूम में भी ये डिजाइन है, तो ये ना पुराना डिजाइन है, ये अब अच्छा नहीं लगता। बट साहिल के रूम से व्यू देखो कितना मस्त है, अभी तो यहाँ पे खाली प्लॉट है तो एकदम मस्त लग रहा है, हवा चल रही है। और यहाँ पीयूष के रूम में लग रही है जाली, देखो ये जाली है ना, इस जाली के ऊपर पीओपी होती है। ओ भाई साहब ये क्या है गाइस, ये देखो मेरे पीछे कितनी खतरनाक वायरिंग। सॉरी सर मेरे को तो इतना भी नहीं पता कि पीछे की वायर कौन सी है। इसको देख के डर लग रहा है भाई, कितनी सारी वायर है ऊपर देखो। अरे छुओ, करंट नहीं है उसमें भाई, ये तो मैंने खुद पहली बार देखी है इतनी सारी वायर देखो। और गाइस यहाँ पे देखो कितनी सारी पाइप्स हैं भाई, पता नहीं कैसे लगाई होंगी, देखना पूरी एसी की फिटिंग के बीच में भाई, इनको देख के डर ही लग रहा है। ये जो ब्लैक है ये, हाँ। ये चिड़िया ब्राउन कलर की चिड़िया है। गैस कभी फ्यूचर में कुछ खराब हो गया ना, तो देखो भाई कितनी सारी वायर्स है, वो इलेक्ट्रिशियन को ही पता होगा इसके बारे में। आज कुनाली को मैं बहुत सारे चॉकलेट खिलाने वाला हूँ। कुनाली हाँ बच्ची, हाँ बहुत चॉकलेट खिलाने वाला हूँ आपको। चलो चलो आओ इधर नीचे चॉकलेट। अरे बाहर कहाँ जा रहे हो, इधर तो आओ, एक बार इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो कितनी सारी चॉकलेट है इसके अंदर, कितनी चॉकलेट है वो, आपके लिए स्पेशल चॉकलेट भरवाई होता है। तो हमारी अंडरग्राउंड टैंकी रेडी हो चुकी है बारिश के पानी के लिए, ये देखो पूरी रेडी हो चुकी है, और ये बहुत ज्यादा गहरी है, वीडियो में दिख रही है बट बहुत गहरी है, तो इसमें काफी सारा पानी आएगा। एक टैंकी वो रही उसमें पानी आएगा, और एक टैंकी ये रही इसमें पानी आएगा, इसमें भी पानी आएगा, और पीछे भी है दो वहां भी पानी आएगा। पीयूष आ गया, पीयूष चॉकलेट खानी है, चॉकलेट इसके अंदर देख, चल जाओगे यहाँ से। पीयूष तूने यहाँ की वायर देखी एक रूम में? कौन सी वायर? कितनी सारी वायर्स हैं, और पाइप देखी तूने यहाँ का? दिखा तुम्हें, चल छोड़ हाला। ये देख कुनाली ऐसे आते हैं, देख ओ गया, ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं, ये देख ये तो किचन है, किचन है, तो पेंट्री एरिया हमारा, पेंट्री किचन, पता नहीं यहाँ पे क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्यों है। और पाइप दिखाऊं, पाइप, और ये देख पाइप, वो पाइप देख, पानी की पाइप है, है? पानी की नहीं है, इन्हीं वायर्स के, ये वायर्स इन्हीं के थ्रू तो आ रही है वायर्स। अच्छा। वैसे सारी वायर छुप जाएंगी। मेरे रूम में क्यों करा रहे हो
पीओपी, मेरे को थोड़ी रहना है। आपको नहीं रहना यहाँ? मैं तो मम्मी के साथ सोऊंगा, मेरे को भरती है मेरी, भरती है मेरी रात को अकेले। जब बड़े जाओगे तब तो आपको चाहिए होगा रूम, बड़ों के भी नहीं चाहिए रूम, बड़ों के मम्मी के साथ सोओगे, बड़ों के भी तो अभी रूम नहीं है ना, फ्यूचर में आपकी शादी नहीं होगी, शादी होगी तब तब भी मम्मी के साथ सोओगे। ये भी इसकी दुल्हन भी दोनों मम्मी के साथ सोएंगे। कैंसिल करा दो आपका रूम, कैंसिल करा दो आपका रूम, कैंसिल कर दूं पक्का। यहाँ पर क्या बनाएंगे फिर, रूम की जगह क्या बनेगा यहाँ पर? तो कोई नहीं, इसका रूम भी तू ले ले, इसके रूम में तू अपना गेमिंग स्टूडियो बना ले और इसमें जिम बना देंगे कुनाली के रूम में। हाँ जिम बना देंगे, बेस्ट है। अब सीरियस हो कुनाली, हम अब सीरियस हो गए, अब नहीं बनेगा आपका रूम, ठीक है? मम्मी के साथ ही सोना क्या? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। अरे बारिश के बाद देखो यहाँ पे पार्क में कितने मस्त छोटे छोटे पौधे आ गए हैं घास के साथ में, और पूरे वहां से लेके पूरे यहाँ तक बहुत ही मस्त लग रहे हैं। ये देखो इनका क्या चल रहा है, गंजा तू भी गंजा हो गया, टेंशन मत ले। क्यों गंजा? अब स्कूल में जब पकड़ेंगे ना तेरे बाल। अलग ही टाइप के पौधे हैं देखो, छोटे सारे सेम हैं, कितने मस्त लग रहे हैं। हाथों चल, हाथों चल, आगे आगे चल, घास काटने वाली मशीन गाइस, घास काटने वाली मशीन, दांत से काट, घास काट। इन पत्तों का शेप देखो गाइस, हार्ट का शेप है। तो अब करते हैं लंच, आज बने हैं छोले और चावल, और ये देखो अपना लैपटॉप चला रहा है ये मस्त। कैसा लगा आपको लैपटॉप? अच्छा है। ये देखो भाई कैसे खाना खाता है, ये पकड़ा क्या, रील्स देखते हुए खाना खाता है गाइस ये। अब कर दे बंद कर दे, अब हाँ अब बंद कर दे। पापा जी बहुत टाइम के बाद अपनी रूपा की बनियान में दोबारा से आना पड़ा भाई, गर्मी बहुत हो रही है। कोई छोले चावल खा रहा है, कोई कढ़ी चावल खा रहा है, कोई कढ़ी चावल छोले चावल दोनों मिक्स खा रहा है। ऑटो में जाओ भाई, भाई क्या सीरियस बात चल रही है, क्या कह रही है मम्मी? ऑटो में जाऊंगी मम्मी यार, अच्छा लगता है, हवा कितनी अच्छी लगती है। पोर्स में चलो, पोर्स पोर्स में चलो मम्मी, चलो नहीं, अरे चलो ना पोर्स में, मेरे को डर लगती है सर। अरे आपको सुनो, आपको छोड़ दूंगा मैं, आराम से चलाऊंगा, आराम से चलाऊंगा, अरे चलो ना। तो हमने जिंदगी काट दी ऑटो में जाते जाते, तो जिंदगी काट दी, अब तो जिंदगी थोड़ा सही रखो ना, सही रखी। तो गाइस अब मुझे एक सीरियस टॉपिक के बारे में बात करनी है। आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा एक बच्चा आया था 13 साल का, जिसने मेरे टैटू बनवा रखा था छाती पे, और वो अकेले मिलने आया था इंदौर से। तो मैंने आपको दिखाया था, मैंने बोला था कि इस तरह से मत करना, तो बाकी सब तो ठीक है, चलो आ गया वो मिलने, आ गया मिल भी गया, अकेले भी आ गया, बट सबसे मेन उसने परमानेंट टैटू बनवा रखा था मेरे छाती पे, जो कि कभी मिट नहीं सकता क्योंकि वो छाती पे बना हुआ है, इतना बड़ा टैटू है। तो मुझे लगता है इसमें ना उसकी गलती नहीं है, इसमें गलती है टैटू बनवाने वाले की। वो तो बच्चा है भाई, वो तो कुछ भी बोलेगा, उसको कोई पसंद आएगा कि उससे मिलना चले जाऊंगा, उसका टैटू बनवा लूंगा, वो तो कुछ भी बोलेगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस टैटू बनवाने वाले की जिसने बनाया है, कि भाई छोटा बच्चा है वो तो कुछ भी बोलेगा, जरूर थोड़ा ना तुम बना दोगे, परमानेंट चीज है वो, ऐसे तो नहीं कि एक दिन में मिट जाएगा, दो दिन में मिट जाएगा, कोई फन वाली चीज है, ऐसा तो है नहीं, वो लाइफ टाइम उसकी बॉडी पर रहेगा। तो मुझे लगता है कि टैटू बनाने वाले की गलती है, जिसने बनाया उसने उसके घर वालों से पूछना चाहिए था, उसने उससे लिखवाना चाहिए था, तब बनवाना चाहिए था, बनवाना नहीं चाहिए था इस तरह से, बनवाना नहीं चाहिए यार, क्योंकि अभी तो छोटा है उसकी, वो बच्चा अभी मुझे पसंद करता है, कुछ सालों बाद किसी और को पसंद करेगा, तब उसको रिग्रेट होगा कि यार मैंने क्यों बनाया। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे तो भाई कुछ भी बोल देते हैं कुछ भी करने के लिए, तो पेरेंट्स को संभाल के रखना चाहिए, पेरेंट्स को समझा के रखना चाहिए, और जितने भी टैटू आर्टिस्ट हैं ऐसे किसी बच्चे के कहने पे टैटू नहीं बनाना चाहिए, वो नाबालिग है भाई, उसको कुछ पता भी नहीं है, 13 साल का बच्चा है, वो तो बोलेगा तो तुम बना तो ना दोगे, उसने कहा कि भाई सौरभ जिसके टैटू बनाऊंगा मेरे तो व्यूज आ जाएंगे, उसके व्यूज भी चले गए, बट उस बेचारे छोटा सा बच्चा। चलो कुनाली से पूछते, कुनाली आप किसी को पसंद करते हो यूट्यूब पे हैं, तो आप उसको टैटू बनवा लोगे? क्यों आप तो पसंद करते हो बना, दो चीजें ठीक है, दर्द नहीं होना चाहिए और उसमें परमानेंट नहीं रहना चाहिए। क्या होगा बनवा के, बनवा के होगा क्या, बनवा के कुछ नहीं होगा। तो आप जिसको पसंद करते हो उसका टैटू बनवा के क्या होगा ये बताओ, कुछ नहीं होगा हैं, कुछ नहीं होगा। तो क्यों बनवाना है, ऐसी बनवा बनवा लोगे मतलब हैं, दर्द ना हो। गाइस कुनाली को देख लो क्या कह रहा है, मैं ही बनवा लूंगा, ये टेक्नो के पसंद करता है, मैं बनवा लूंगा उसका टैटू। तो बच्चे कुछ भी सोच सकते हैं, जिसको पसंद करते हैं ना कुछ भी सोच सकते हैं, कि उससे मिलना है, उसका टैटू बनवाना है, जो टैटू बनवाने वाला है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई बच्चे को समझाना और नहीं बनाना, उसके घर वालों को बताना कि भाई ऐसी ऐसी बात बोल रहा है। तो टैटू से क्या होगा, उनको मिल के बताना ना कि आप उनको कितना पसंद करते हो। तो गाइस अब करते हैं डिनर, भिंडी और रोटी बनी आज मस्त, साथ में चटनी।
तो अब करता हूँ एडिटिंग, इसलो करता हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा परमानेंट रहेगा तो बनवा लोगे? उसको क्या हो गया? चलो उधर। Who told you that it was too late? When was it that you started leaning that way? Four tires cut into the clay. It dries up and now there's just one road to take. It's growing up.